मति को सम रखने वाले मति के उस उच्च अनुभव से वे मति दाता में प्रतिष्ठित होने की योग्यता पा लेते हैं और वो योग्यता पाने वाले फिर भगवान को प्राप्त कर लें इसमें कोई आश्चर्य नहीं। वो आदमी जरूरी नहीं कि बहुत पढ़ा लिखा चाहिए अथवा अनपढ़ चाहिए, बहुत धनवान होना चाहिए या निर्धन होना चाहिए, बच्चा होना चाहिए या जवान होना चाहिए या बूढ़ा होना चाहिए, ऐसा कोई नियम नहीं है। जैसे परदेश जाना हो तो यहाँ आपका कुछ अकाउंट होना चाहिए, टिकट के पैसे होने चाहिए, फलाना होना चाहिए, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, फिर आदमी परदेश जाता है, 6-12 महीने में वहाँ से धकेल दिया जाता है अथवा तो लागबग करके इस देश को छोड़ के वहाँ का नागरिक बनता है। लेकिन जिसने इंद्रिय काम को जीता है उसको न कोई देश छोड़ना है न कहीं की गुलामी करना है, वो तो सर्वत्र समबुद्धय हो जाता है, सर्वत्र उसकी समबुद्धि हो जाती है, उसके लिए पराया और अपना भेद क्षीण होने लगता है, उसके लिए इहलोक और परलोक की सत्यता मिटने लगती है, उसके लिए राग और द्वेष मन की कल्पना और विकारों का आवेश मात्र लगता है, वो भूत मात्र के हित में लगा पुरुष मुझी को प्राप्त कर लेता है। भगवत प्राप्ति में अगर बड़े में बड़ी रुकावट है तो वही है कि इंद्रियों के सुख का आकर्षण। जो संयमी पुरुष है वो इंद्रियों के सुख के आकर्षण से अपने को संयत करता है। जीवन में अगर संयम नहीं होगा तो जीवन न जाने कौन सी गर्ताओं में जा गिरेगा। वृक्ष अगर कहे कि मुझे संयम की क्या जरूरत है, धरती से क्यों बंधा रहा हूँ, तो कूदता फिर तेरे फल और फूल नष्ट हो जाएंगे, तेरे पत्ते बिखर जाएंगे, डालियाँ सूख जाएगी, तेरी कोई कीमत नहीं रहेगी भैया। वृक्ष अगर धरती के साथ संयत नहीं है, जुड़ा हुआ नहीं है, एकाग्रत नहीं है, तो वृक्ष की कोई कीमत नहीं। मूल अगर हिलता डुलता भागता फिरे तो वृक्ष की कोई कीमत नहीं। ऐसे ही हमारा परब्रह्म परमात्मा रूपी धरती और मन रूपी मूल और इंद्रिय रूपी टहनियाँ, अगर इंद्रिय रूपी टहनियाँ थोड़ी बहुत हिलती और मन फिर भी मूल कारण से जुड़ा रहता है तो मन के प्रभाव से हमारे जीवन में सुरभि आएगी, आत्म शांति के फल लगेंगे और आत्मानंद की सुगंध फैलेगी। अगर मन रूपी मूल पर ब्रह्म परमात्मा से हटकर उछल कूद करने लगे तो खुश्कता शुष्कता सा रहेगा और सूखा मन फिर संसार के विकारी सुखों में अपने को भटका भटका कर नष्ट करता जाएगा। जिसने इंद्रिय रूपी ग्राम को जीता है, थोड़ा संयम किया है, वो मुझे प्राप्त करता है, उसका स्वभाव सर्वभूतों के हित में रहता है और बुद्धि समत्व योग में प्रतिष्ठित हो जाती है। अगर वीणा की तार कहे कि हम वीणा से क्यों जुड़े रहे हैं, हमें संयम की क्या जरूरत है, तो फिर ये तार धरती पे पड़े रहेंगे, उनसे कोई मधुर गीत न गूंजेंगे, परमात्मा की प्रार्थना न निकलेगी और लोगों को झुमाने वाले स्वर न निकलेंगे। अगर नदी कहे कि हम किनारों को पकड़ कर क्यों चले, हम तो स्वतंत्र रहेंगे, तो नदी सागर को शायद न भी पहुंचे और रास्ते में ही बखेड़ा कर दे। दोनों किनारों को के संयम में अगर नदी बहती है तो गांवों को लहला बहला देती है, अंत में सागर को मिलती है। ऐसे ही मनुष्य जीवन में भी संयम के किनारे हों तो मनुष्य जीवन की यात्रा, जीवन की सरिता जीवनदाता रूपी सागर तक जा पहुंचती है। बाष्प अगर बेसंयमी हो तो उसकी कोई कीमत नहीं और बॉयलर में संयत रहती है तो हजारों टन भार को ले भागती। ऐसे ही अपनी वृत्ति अगर संयत होगी तो हजारों विघ्न बाधाओं के बीच भी हम अपनी मंजिल तय करते हैं और दूसरों को कराने में सहभागी होते हैं। तो भगवान कहते हैं संयमे इंद्रिय ग्रामम सर्वत्र संबुद्धया। इंद्रिय ग्राम को संयत करना, संयत करने का एक आध प्रयोग, दो प्रयोग, चार प्रयोग जान लो और रोज थोड़ा थोड़ा अभ्यास करो।
जिसमें तुम्हारी श्रद्धा हो साकार में या निराकार में, निर्गुण निराकार अगर बुद्धि की प्रधानता है तो निर्गुण निराकार को मानो, अगर हृदय की भावना की प्रधानता है तो सगुण साकार को मानो। सगुण साकार में भगवान, गुरु, गोविंद, इष्ट, जिसमें भी प्रीति है उसकी प्रतिमा को, मूर्ति को सामने रखो। पूजा के रूम में गुरुदेव की या भगवान की मूर्ति ऐसी रखो जैसे तुम्हारी आँखों के सामने ही वो मूर्ति सिद्ध में आप रखो, न ऊपर देखना पड़े न नीचे देखना पड़े, खुली आँख अर्ध उन्मूलित नेत्रों से उस भगवान या गुरुदेव को निहारो। 5 मिनट केवल प्रयोग करके देखो, थोड़े दिन के लिए बहुत लाभ होगा। 5 मिनट बैठो और देखो, आँख की किकी न चले, आँखें इधर उधर न हिले, चाहे कुछ भी हो जाए, नियत समय पर, नियत जगह पर, नियमित थोड़े दिन बैठो, इंद्रियों में संयम आने लगेगा थोड़ा बहुत और मन उस मूल में थोड़ा टिकने लगेगा। कुछ दिनों के बाद हृदय में उस परमेश्वरीय आनंद का एहसास होगा, श्रद्धा विश्वास बढ़ जाएगा और बुद्धि में समता आने लगेगी। थोड़ी थोड़ी बात में जो विषम हो जाता है, आदमी खिन्न हो जाता है, वो दुनिया में बड़े काम नहीं कर सकता है। छोटे और बड़े आदमी की पहचान यही है। छोटा आदमी वह है जो छोटी छोटी बातों से जल्दी जल्दी इम्प्रेस हो जाता है, थोड़े से लाभ से बहुत हर्षित हो जाए, थोड़े से हानि से वो बहुत दुखी हो जाए। जैसे बच्चा है तो चवन्नी गिर गई या चॉकलेट किसी ने छीन लिया तो खूब रोएगा, और 4 आने 8 आने रुपया या 50 पैसे मिले तो बड़ा खुश हो जाएगा। रेती के घरौंदे किसी ने हाथ से तोड़ दिया तो बड़ा नाराज होगा, और किसी ने 4 पैसे का खिलौना दिया तो बड़ा राजी होगा, क्योंकि उसकी बालिश है, मति है, अल्प मति है। वही बच्चा जब बड़ा होता है तो 4 आने या रुपए या 50 पैसे या 2 रुपए की चीज़ मिलती है तो भी प्रभावित नहीं होता, और 50 पैसे या 100 पैसे की चीज़ चली भी जाती है तो इतना शोकातुर नहीं होता। ऐसे संसार की कहने वाली बड़ी बड़ी उपलब्धियां अथवा बड़ा बड़ा नुकसान, बड़ा बड़ा मान और बड़ा बड़ा अपमान जिसके चित्त को प्रभावित नहीं करता है, वो संयत समबुद्धि पुरुष सब भूतों के हित में रत रहता है। ऐसे पुरुष के लिए भगवान दूर नहीं और वो भगवान से दूर नहीं। ऐसे पुरुष के तो मुक्ति, 5ों प्रकार की मुक्ति तो उसके मुट्ठी में आ जाती है और उसकी परवाह न करते हुए कैवल्य मुक्ति का अनुभव करने लगता है। सायुज्य मुक्ति, सामीप्य मुक्ति, सारूप्य मुक्ति, सालोक्य मुक्ति, स्वर्गीय मुक्ति, ये मुक्ति तो ऐसे पुरुष के लिए कुछ महत्व ही नहीं रखती। वो आत्मवेता जीते जी परम मोक्ष का अनुभव कर लेता है। मुवा पछीनो वायदो नकामो को जाने छे काल, आज अत्यारे अब घड़ी साधु जोइलो नगदी रोकड़ माल। वो नगद धर्म का, नगद आत्म अनुभव का भंडार बन जाता है। ऐसा पुरुष चाहे बयाबान में रहता हो, चाहे भीड़ में रहता हो, चाहे महलों में रहता हो, चाहे झोपड़े में रहता हो, लेकिन वो है तो साक्षात नारायण का अंग। महलों में ऐसे पुरुष जल्दी से बनते नहीं। किसी को ऐसी ऊंची अनुभूति करनी है तो थोड़ा एकांतवास चाहिए, थोड़ा संयम बढ़ाने में सहयोग दे ऐसा पवित्र वातावरण चाहिए। भोगियों के संग में नाहक के विकार पैदा होते हैं, और एकांत में और योगियों के संग में, भक्तों के संग में, संतों के रंग में मन और इंद्रियां सहज स्वभाव, संयम, सादगी, शांति और परमात्मा के रास्ते चलने में सहायक हो जाती है। तो कुछ समय बीते तो एकांतवास 2-4 महीने में एक आध हफ्ता, मौन मंदिर अपने घर में ही बना लो, एक मौन कमरा रखो बस, और किसी से इंद्रियों को बहकाने वाले विषयों से या व्यक्तियों से न मिलेंगे, केवल हम तो परमात्मा चिंतन करेंगे। 2-3 महीने में एकाध सप्ताह अपने उद्धार के लिए, अपने कल्याण के लिए निकालें तो बहुत लाभ होता है। इंद्रिय संयम का सुख जगत के सुखों से अनंत गुना ऊंचा है। भगवान शंकर ने कहा गुरु गीता में, न सुखम चक्रवर्तिना न सुखम देवेंद्रस्य,
चक्रवर्ती राजा को वो सुख नहीं उसके भाग्य में, देवेंद्र को विषय सुखों से वो सुख नहीं मिलता जो सुख एकांतवासी मुनि को मिलता है, निर्वासनिक मुनि को मिलता है वो सुख, न राजा इंद्र को है न चक्रवर्ती सम्राट को है। न सुखम चक्रवर्तिना न सुखम देवेंद्रस्य यत सुखम वितरागस्य मुनिर एकांतवासिनः। तो कभी कभी अपने को शुद्ध पवित्र देश में एकांतवास में लेकर इंद्रिय के आकर्षणों से बचाते हुए थोड़े अंतर्मुख होने का अभ्यास करें तो फिर तुम्हारे लिए समबुद्धि और सर्वत्र परमात्मा की अनुभूति के द्वार सहज में खुल सकते हैं। आदमी चाहे बाहर से बड़ा हो चाहे छोटा दिखे, चाहे गुरु दिखे चाहे शिष्य दिखे, चाहे सेठ की पदवी पे हो चाहे नौकर की पदवी, जितना उसकी इंद्रिय संयम है और भगवान के प्रति सच्ची मति है, हृदय शुद्ध है, उतना वो जल्दी परमात्मा सुख को पा लेता है।